मैं एसपी ऑफिस से सिविल लाइन थाने की ओर जा रहा था, तो यहाँ पर लगभग 50-60 लोग इकट्ठे थे, वो बहुत पैनिक भी हो रहे थे। तो मैं आया तो इनने मुझसे शिकायत की कि कोई महिला है जिनकी डिलीवरी होनी थी, तो वो बहुत पेन में थी और इनने 108 के थ्रू एम्बुलेंस को भी कॉल किया होगा, तो एम्बुलेंस भी आने में देर कर रही थी। तो मुझसे इस बात में शिकायत की, तो मैंने फिर कोऑर्डिनेट किया, 108 एम्बुलेंस को भी कॉल किया, उन्हें भी जल्दी आने के लिए कहा। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी टैक्सियाँ वगैरह निकल रही थी तो इनको भी रोका मैंने कि उनको भिजवाया जा सके। तो लगभग 1-1.5 मिनट हुआ होगा, बट इस बीच उनकी डिलीवरी यहाँ हो ही गई थी। तो फिर उसी टाइम पे हॉस्पिटल से भी मेडिकल स्टाफ से नर्स जा रही थी, तो उन नर्स को रोका मैंने, मैंने उनकी मदद के लिए कहा, बट वहाँ पे बेसिक इक्विपमेंट नहीं थे उनकी मतलब मदद करने के लिए। तो उस तब तक 108 एम्बुलेंस भी आई गई थी इस बीच। तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस में उनके हैंड ग्लव्स वगैरह थे और कैंची वगैरह थी जो भी काटने के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो वो चीज़ें प्रोवाइड हुई 108 से। तो वो नर्स जो मेरे थी और साथ ही में इनकी जो महिलाएं थी, इनकी कुछ मदद से इन लोगों ने एक वो खटिया वगैरह लगा करके और ऐसा घेरा बना लिया था, तो उनने उनकी मदद की, वहाँ पे उनको व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई। इसके बाद फिर उन्हें 108 एम्बुलेंस में ही बैठा करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो वहाँ उनका प्रॉपर इलाज हुआ, तो अभी दोनों स्वस्थ हैं। डिलीवरी हुई है? हाँ, यहीं सड़क पर ही उनकी डिलीवरी हो गई थी। वो 1-1.5 मिनट का टाइम था, इनको शायद सुविधाएँ भी नहीं मिल पाई, इनने 108 से कोऑर्डिनेट भी किया मेडिकल स्टाफ से वगैरह। हाँ, तो इन्हें साइड में फिर ये जो इनके साथ की समाज की महिलाएं हैं, इन लोगों ने खटिया वगैरह लगा करके और वहाँ पे ऐसा घेरा बना लिया था, तो उस बीच उनकी डिलीवरी हो गई थी। तो अभी तक नर्स भी आ गई थी, तो उन्हें भी रोक करके मैंने उन्हें बोला मदद करने के लिए। काफ़ी देरी हो रही थी या गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी? मेन तो लॉकडाउन ये इशू है, और साथ में 108 भी हो सकता है किसी पॉइंट पे गई हो, तो जिसके कारण आने में से देरी हो पा रही हो। कैसी हालत है सर इन लोगों की? कैसे गरीब हैं ये लोग, अच्छे को दूध नहीं पिला पा रहे, बता कितना गरीब है? बहुत गरीब, तो बहुत गरीब हैं ये लोग। यहाँ पे जैसे इनकी सिचुएशन देखने को लग रही है, आवास की भी प्रॉपर सुविधा नहीं है, खाने की सुविधाएँ भी नहीं है। तो हम लोग ने बात भी किया है अभी विभाग की ओर से भी, पुलिस स्टाफ की ओर से भी, इन्हें वो कच्चा माल वगैरह उपलब्ध करा जाएगा, और कुछ समाज सेवी हैं जो साथ में मदद के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे भी कोऑर्डिनेट किया हम लोगों ने, तो वो भी इन्हें रोज़ खाने पीने के लिए जो भी बेसिक सुविधाएँ हैं, अनाज वगैरह मिल जाएगा, दूध वगैरह सब चीज़ें इन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। डिलीवरी दर्द चालू हो गया था, फिर उसके बाद वाहन रोका था तो किसी ने नहीं रोका, फिर जब एक थानेदार साहब आए उन्होंने वाहन रोका, जब तक वो आए फिर उन तब तक डिलीवरी हो चुकी थी। जब एम्बुलेंस आई फिर एक जनी आई, मैडम जी छुट्टी होके जा रही थी, फिर उन्होंने मैडम जी ने उन्होंने थानेदार साहब ने रोका मैडम जी को, फिर उन्होंने डिलीवरी की थी मैडम जी ने। और हमारे पास बहुत गरीब आदमी है, कुछ खाने को नहीं है, सुबह खाना खाया था, अभी शाम को कुछ भी नहीं है। बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे को नहीं पिला पा रहे? बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे, पैसे की वजह से 1 महीने से लॉकडाउन लगा है, हमारा काम धंधा सब बंद है। तो क्या डिलीवरी सड़क पे ही हो गई थी? हाँ, सड़क पे ही हो गई। कैसे फिर खटिया वगैरह लगाई? क्या खटिया लगाई थी, और हमारे समाज के थे उन्होंने, और खटिया लगा दी, पर्दा अर्दा लगा दी, उसी से हो गई। कोई लाभ नहीं मिला आपको शासन की योजनाओं का? कोई लाभ नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग, कितने दिनों से भूखे हैं? जब से लॉकडाउन लगा तब से ही भूखे हैं, कुछ दिन खाना पीना आया, फिर बस फिर बंद हो गया। अब क्या है बच्चे के लिए, क्या चाहते हैं आप? अब बच्चे के लिए पैसे चाहते हैं, उसके दूध के लिए, अपने खाने के लिए चाहते हैं। कुछ नहीं खा पा रही? गुड़ वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ। क्या खाया आपने? ही नहीं होंगे तो कहाँ से खाएंगे? सुबह दलिया बनाया था तो वो खाया। किस तरह की मदद चाहती हो आप? मदद चाहते हैं पैसा, राशन, पानी, खाने के लिए। क्या चाहती हो आप, किस तरह से चाहती हो? विनती है हमारी, हाथ जोड़ के सबसे, हम खाने के लिए चाहते हैं राशन पानी, पैसे, मदद अदर, बच्चे के लिए, हम अपने बच्चे को खिला सके, खुद खा सके। बच्चा भूखा है आपका? हाँ भूखा है। कोई मदद करने नहीं आया? कोई कोई मदद करने नहीं आया। जितना मिले जो उतना ही बनाए, जो कुछ भी मदद मिल जाए वही काफी है।